हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है भर्ती को लेकर के दिल्ली में काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि एक इंडियन आर्मी की तरफ से फ्रेंड्स जो है न्यू अपडेट निकल कर आ रहा है जो कि टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का सवाल होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है। ओके, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब होता क्या है, क्या इसको लागू होने से क्या कैंडिडेट का जो है फ्रेंड्स फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट एंड काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि 3 साल के लिए जो है आर्मी में आप सभी को भर्ती होने का मौका मिलेगा, उसके बाद आप सभी को जो है रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो क्या रिटायरमेंट के बाद आप सभी को बेनिफिट मिलेगा जो कि अभी इंडियन आर्मी को मिलती है, जैसे कि इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट आने के बाद अभी जो है पेंशन मिलती है। ठीक है, तो क्या वैसा आप सभी को जो भी बेनिफिट है इंडियन आर्मी की तरफ से मिलेगा 3 साल के बाद यदि आप रिटायरमेंट आ जाएंगे तो क्या आप सभी को पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप सभी को इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब होता क्या है एंड जो अभी फिलहाल न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट वहां पे पहुंच चुके हैं जो आर्मी का भर्ती, जो आर्मी की तैयारी एयरफोर्स नेवी का तैयारी करते हैं वो लोग पहुँच चुके हैं और प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रहे हैं और अपना भर्ती को लेकर के मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक न्यू अपडेट जारी किया गया है। ठीक है, कि अब जो है न्यू नियम जो लागू होगा, ठीक है, उसके तहत आर्मी में जो भी है जवानों का भर्ती किया जाएगा जिसको बोला जाएगा फ्रेंड्स टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी को पूरे डिटेल्स में हम समझाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी की न्यूज़ के माध्यम से जो न्यू अपडेट जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से उसमें हम आप सभी को ले जाकर के पूरे डिटेल्स में हम समझाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है जीव न्यूज की तरफ से जो है ये फ्रेंड्स जो है न्यूज जारी किया गया, तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। जो चलिए आप सभी को पूरे हम डिटेल्स में समझाते हैं फ्रेंड्स कि टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये देखने को मिल रहा होगा ये 7 अप्रैल के जो है न्यूज है। ठीक है, 7 अप्रैल 5:23 PM पे इसको जो है जारी किया गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है अग्निपथ प्रवेश योजना, जानिए कैसी किसे मिलेगी सेना में 3 साल के लिए नियुक्ति और कहाँ होगी तैनात। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं यहां पर दे रखा है केंद्र सरकार के तरफ से जो है न्यू स्कीम लाया गया। ठीक है, इसी स्कीम के तहत अब सेना में आप सभी का जो है भर्तियां होने वाला है। तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर साफ साफ यहां पर बता रखा है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या बोल रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार अग्निपथ प्रवेश योजना, ठीक है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम लागू करने जा रही है। ठीक है, लागू करने अब जा रही है। आज से 2 साल पहले इस पे फ्रेंड्स जो है बहस हुआ था, बैठक भी हुआ था इस भर्ती को लेकर के अग्नि प्रवेश योजना के। ठीक है, बट उस समय लागू नहीं किया गया, बट अब जो है केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट दिल्ली में पहुंच चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर दे रहा है फ्रेंड्स कि इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि आर्मी के साथ आर्मी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेवी हो जाएगी। ठीक है, नेवी के बाद एयरफोर्स, यानी तीनों सेनाओं में इसके तहत जो है जवानों का भर्ती किया जाएगा 3 साल के लिए, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और उसको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं नई दिल्ली भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अब सरकार अग्निपथ प्रवेश योजना, ठीक है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम लागू करने जा रही है। इसके तहत 3 सेनाओं में, ठीक है, इसके तहत 3 सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक रूप में भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी, साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं साफ साफ मेंशन कर चुका है, इससे बैड न्यूज क्या हो सकता है। ठीक है, वही सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को मौका भी मिलेगा। यानी फ्रेंड्स सरकार अपने आप पर जो है भार नहीं लेना चाह रही है और युवाओं को बेरोजगार करना चाह रही है। आप लोग यहां पर साफ साफ समझ सकते हैं कितना यहां पर बैड न्यूज है, इससे बैड न्यूज
युवाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही फ्रेंड्स यहाँ पे विचार गलत लिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसे मिलेगा मौका और कहाँ होगी तैनाती, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं आगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, बताया जा रहा है इस योजना के तहत सेना में भर्ती कराने के लिए IIT और अन्य प्रोफेशनल स्ट्रीम के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। ये आतंकी गतिविधियों से निपटने, खुफिया जानकारियां जुटाने और सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम करेंगे। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भारत की सबसे बड़ा कठिन एग्जाम होता है IIT, अपने आप में निकालना, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे उनको मौका दिया जाएगा, या आईटीआई को भी मौका मिल सकता है, ठीक है। उसका प्राथमिकता क्या होगा, तो इन्हें कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। यह आतंकी गतिविधियों से निपटने और खुफिया जानकारियां जुटाने व सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे GD को लेकर के और क्लर्क को लेकर के यहाँ पे भर्ती से संबंधित कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है IIT वाले कैंडिडेट है, एंड जो मतलब आतंकी से संबंधित खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए काम करेंगे, और वही कैंडिडेट के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल के बाद क्या होगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी सारे कैंडिडेट को मन में ये भी डाउट होगा कि 3 साल के बाद होगा क्या, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेनाओं के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को अस्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। सेनाएं संविदा सैनिकों अग्निवीरों को 3 साल के दौरान किए गए काम के आधार पर इसका फैसला लेंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको 3 साल के बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। यदि आपका जो है काम अच्छा रहा, आपका जो है रिकॉर्ड उसमें अच्छा बन रहा, तो अधिकारी आप सभी को परमानेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट आपको काम वहाँ पर देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा में दे रखा है फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे समझ सकते हैं, दूसरा में फ्रेंड्स मेंशन कर चुका है यहाँ पे साफ साफ कि ये अग्निवीरों के बाद में कॉरपोरेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे। ऐसे युवाओं को कॉरपोरेट जगत में अच्छी मांग हो, इसके लिए सेना योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल में कॉरपोरेट खिलाड़ियों ने ऐसे युवाओं को मांग की थी, इसके लिए सरकार ने उनके संपर्क में है, ठीक है। 1,25,000 सैनिकों की पद खाली है। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में काफी जो है पद खाली है, बट यहाँ पे भर्ती नहीं लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे साफ साफ पेंशन कर चुका है। आप सभी भी यहाँ पे फ्रेंड्स जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, कोरोना के कारण सेनाओं में भर्तियां को काम बिल्कुल ठप पड़ गया है, ऐसे में सेना के जवानों की संख्या में काफी कमी हो गई है। भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी, जल सेना यानी कि इंडियन नेवी और वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सेना के तीनों अंगों में सभी 1,25,000 से ज्यादा सीटें खाली है। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि 1,25,000 जो है सेना में सीट खाली है, जो कि ये काफी फ्रेंड्स जो है अच्छी बात नहीं है। बहुत ही जल्द इन लोगों को भर्तियां ले लेनी चाहिए, काफी युवाओं जो है बेरोजगार है। तो फ्रेंड्स आप सभी को इस विचार पे, आप सभी को विचार कैसा लगा, क्या ये जो है ये BJP सरकार क्या अच्छी कर रही है, तो आप सभी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि क्या ये सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है 2 साल पहले शुरू हुआ था विचार, ठीक है, जो कि आप लोग ये पढ़ सकते हैं, आज से 2 साल पहले इस पे जो है निर्णय लिया गया था बट लागू नहीं किया गया था। इस योजना पर 2 साल पहले से काम शुरू किया गया था, तब इसे टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम कहा गया था, ठीक है। बताया जा रहा है कि अभी सेना के अधिकारियों और सरकार के बीच कुछ और मीटिंग इस मुद्दे पर होगी और इसके बाद इसे फाइनल कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से इसे भी इस पर पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो फिर मैं आप सभी को बता दें कि इसको अभी लागू नहीं किया गया, आज से 2 साल पहले इस पर विचार विमर्श किया गया था बट इसको लागू नहीं किया गया था, अब इसमें जो है लागू करने को सोचा जा रहा है। तो फिर एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है, बट इतना सीट खाली है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, इसको जल्द से जल्द जो है भर लेना चाहिए। तो फिर आप सभी को सरकार का निर्णय कैसा लगा, गलत है या सही, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर प्रदर्शित करें और बताएं। तो फिर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।